Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आपका स्वागत है कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। मैं निखिल शर्मा फिर से लाया हूँ किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। आप कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारियाँ आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम किडनी से जुड़ी जरूरी डाइट की जानकारी के लिए एक खास पेशकश आप लोगों के सामने लाते हैं, जिसके लिए डाइटिशियन श्रेया आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है श्रेया जी। थैंक यू निखिल। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स पोटेशियम का कितना इंटेक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें श्रेया जी से यह जानना होगा कि पोटेशियम क्या होता है। पोटेशियम एक मिनरल है जो कि नर्व एंड मसल फंक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। पोटेशियम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है। किडनी के पेशेंट्स को अक्सर कम पोटेशियम वाले फूड प्रोडक्ट्स को लेने की सलाह दी जाती है। तो श्रेया जी, क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को लो पोटेशियम का सेवन करना चाहिए? अगर आपको अपनी किडनी को हेल्दी बनाए रखना है तो जरूरी है कि आप एक्स्ट्रा पोटेशियम का इंटेक ना करें, लेकिन ये भी सच है पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, इसीलिए इसका सेवन किडनी के पेशेंट्स को लिमिट में करना चाहिए। लेकिन कम पोटेशियम का सेवन आपकी मसल क्रैम्प और थकान या कमजोरी का भी कारण बन सकता है। तो श्रेया जी, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हाई पोटेशियम का इंटेक करते हैं तो इसका उन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तब आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। ब्लड में हाई पोटेशियम को हाइपरकैलेमिया कहा जाता है, जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के लास्ट स्टेज के पेशेंट्स में अक्सर देखने को मिलता है। हाई पोटेशियम के कारण नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। डायलिसिस के पेशेंट को पोटेशियम को रेगुलेट करने की ज़रूरत हो सकती है। डायलिसिस के ट्रीटमेंट के बीच अक्सर पोटेशियम लेवल बढ़ता है जी, इसलिए पोटेशियम वाले फूड प्रोडक्ट्स को इसमें कम करने की सलाह दी जाती है। क्या श्रेया जी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे हमारी बॉडी पोटेशियम के लेवल को बढ़ने से रोक सके? जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको फॉलो करके आप अपने ब्लड में पोटेशियम के लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो। पहला है, डाइट प्लान के रिगार्डिंग आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें। कोशिश करें कि इसके लिए आप डाइटिशियन की सलाह लें, और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। दूसरा है, हाई पोटेशियम फूड प्रोडक्ट्स को कम करें, क्योंकि इसमें आपकी किडनी की बीमारी बढ़ सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसे कम करें। तीसरा है, दूध और दूध के बाकी प्रोडक्ट्स आप इनको भी कम करें, क्योंकि इनमें भी हाइपोटेशियम पाया जाता है। चौथा है, केन फूड प्रोडक्ट्स में फल और सब्जियां या लिक्विड प्रोडक्ट का सेवन ना करें, क्योंकि ना ही इनमें हाइपोटेशियम होता है बल्कि हाई सोडियम भी होता है। इसमें आपकी किडनी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपको ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ बढ़ सकती है। पांचवा है, पोटेशियम के साथ साथ नमक की और अन्य चॉइसेस और सीजनिंग्स को अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी किडनी पर प्रेशर पड़ने की वजह से किडनी भी खराब हो सकती है। आखिरी है, फूड प्रोडक्ट्स पर लेबल ठीक से पढ़ें और हाई पोटेशियम से बचें। वैसे तो लेबल पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है होता है, लेकिन इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में मिनरल्स कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे श्रेया जी, ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हाई पोटेशियम पाया जाता है? फ्रूट्स और जूसेस में अवोकाडोस, बनानास, ड्राई फ्रूट्स, हनी ड्यू, किवी, मैंगोज, ऑरेंज एंड ऑरेंज जूस, पपाया, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं और जूसेस हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स में ड्राई बीन्स एंड पीस, पम्पकिन, पोटैटो एंड फ्रेंच फ्राइज, स्पिनच कुक्ड, स्वीट पोटैटो, टोमेटो एंड टोमेटो सॉस, विंटर स्क्वैश, इन सब वेजिटेबल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स में आइसक्रीम, मिल्क एंड योगर्ट को अवॉइड करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं और भी हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जो कि चॉकलेट, मोलासेस, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट एंड सीड्स एंड नट्स। श्रेया जी, ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें लो पोटेशियम पाया जाता है और क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स जिनका सेवन कर सकते हैं? निखिल, पहले मैं आपको उन फ्रूट्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि लो इन पोटेशियम होते हैं और जिनको आप अपनी डाइट में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। एप्पल्स, बेरीज, ग्रेप्स, लेमन, पीचेस, केन पियर्स,
पाइनएप्पल, प्लम्स, वाटरमेलन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं। अब मैं आपको उन वेजिटेबल्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि लो इन पोटेशियम होते हैं एंड जो कि आप अपनी डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। वो है कैरेट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, एग प्लांट, ग्रीन बीन्स, लेट्यूस, अनियन, समर स्क्वैश एंड बेल पेपर्स। स्नैक्स जो कि लो इन पोटेशियम होते हैं और आप इजीली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है जेली बीन्स, हार्ड कैंडीज, प्लेन डोनट्स, अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न्स एंड रेड लिकोरेस। तो यह थी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स पोटेशियम का कितना सेवन कर सकते हैं से जुड़ी जरूरी जानकारियां। और थैंक यू श्रेया जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, या जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।